दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी में जोरों से लगे होंगे। मैं हूं तौफिक, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज जो ट्रिक हमने लेकर आए हैं कि सल्तनतकालीन वंश को हम क्रमानुसार कैसे याद रख सकते हैं, और इससे पहले हम कुछ सल्तनतकालीन ऐतिहासिक तथ्यों को जान लेते हैं। तो दोस्तों एक दौर ऐसा था जब हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों से जूझ रहा था। कोई भी आता था हमारे देश को लूटता था और वापस चले जाता था। इसी क्रम में सिकंदर गजनवी जैसे महान योद्धाओं ने हमारे देश की तरफ रुख किया, यहाँ से भारी मात्रा में धन वैभव ऐश्वर्य को लूटा और अपने देश को लौट गए। इन्हीं सब घटनाओं से प्रेरित होकर एक छोटे से प्रांत गजनी के सुल्तान ने भी कुछ ऐसे ही सपने अपने मन में सजा रखे। वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी सोचता था कि मैं भी जाऊंगा भारत की तरफ, उसे लूटूंगा, वहां के धन वैभव ऐश्वर्य को लूटूंगा और अपने देश वापस आ जाऊंगा, और वह निकल पड़ा अपने इन सपनों की उड़ान के साथ। हमारे देश के योद्धाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में राजपूत राजाओं ने यह साबित कर दिया था कि हमें लूटकर वापस जाना इतना भी आसान नहीं है। गौरी का सामना जंग के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से होने वाला था। चौहान सेना भी अपने पूरे जोश और होश और दमखम से मोहम्मद गौरी की सेनाओं को टक्कर दे रही थी। जंग के मैदान में भीषण तबाही जैसे हालात। पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था। मोहम्मद गौरी जंग के मैदान में मूर्छित पड़ा था। उसके चारों तरफ हमारे देश को लूटने के सपने गूंज रहे थे। उसी समय मोहम्मद गौरी के एक छोटे से सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक की नजर अपने सुल्तान पर पड़ी और उसने अपने सुल्तान को पीठ पर लादा और जंग के मैदान से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। शॉट आउट उन लोगों को जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, अहमद खान, अंकेश घोरसे, मुकेश घाघरे, शुभम बघेले, अजय पवार, नीरज साहू। अगर आप भी शॉर्ट आउट पाना चाहते हैं तो दीजिए इस वीडियो में पूछे क्वेश्चन का सही जवाब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सुल्तान को बचाया और मोहम्मद गौरी के सपनों को एक बार फिर से उड़ान दी। मोहम्मद गौरी प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह अपने हार का बदला फिर से लेना चाहता था। उसका इस युद्ध को जीतना ही जीवन का मूल मकसद बन गया था। उसने अपनी सेना का संगठन और प्रशिक्षण एक बार फिर से शुरू किया और इस बार वह एक अलग युद्ध नीति के साथ मैदान में उतरा। चौहान राजा इन सब बातों को भाप नहीं पाए और फिर शुरू हुआ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। एक बार फिर तबाही की भीषण आग में लाखों सैनिक जल रहे थे। चौहान राजा भी डटकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी ने भी अपना सर्वस्व इस युद्ध में ही झोंक दिया था और उसने अपने छल और कपट से गोविंद राय को निशाना बनाया और उसे युद्ध के मैदान में घायल कर दिया। हुआ यह कि गोविंद राय की मृत्यु हो गई और चौहान राजाओं ने बेबस होकर हार मान ली। इस युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी अपने आप को और भी अधिक शक्तिशाली समझने लगा और उसने 1194 में पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया, जिसे हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं, और जयचंद को भी हरा दिया। 1206 में अपने विजित प्रांतों को अपने उसी सैनिक जिसने उसकी जान बचाई थी तराइन के प्रथम युद्ध में, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित प्रदेश सौंप कर वह गजनी की ओर वापस जाने लगा। और हुआ यह कि रास्ते में उसका खोकरों से मुकाबला हुआ और खोकरों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। यह सुनकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में एक नए वंश की शुरुआत, जिसका नाम था गुलाम वंश। यहीं से सल्तनतकालीन वंशों की स्थापना का सिलसिला प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर बना खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश का निर्माण हुआ। तो हम इसे एक क्रम में कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है कि गुलाब जामुन खिला दे तू सैयद लोदी। तो गुलाब से बनेगा गुलाम वंश, खिला दे से बनेगा खिलजी वंश, तू से बनेगा तुगलक वंश, और सैयद से बनेगा सैयद वंश, और लोदी से बनेगा भाई लोदी वंश। तो इस छोटे से दोहे से गुलाब जामुन खिला दे तू सैयद लोदी, इस बात से हम यह याद रख सकते हैं कि सल्तनतकालीन वंश की स्थापना जो भी हुई है क्रमानुसार हम उसे ऐसे याद रख लेंगे कि गुलाब जामुन खिला दे तू सैयद लोदी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी सीरीज व ट्रिक पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे होगा ये कि जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता लग जाए। और डिस्क्रिप्शन व आई बॉल में भी हमारी ऐसी बहुत सारी ट्रिक है, उन्हें भी आप देख सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप वहां जाकर ज्वाइन होकर हमारी स्टडी मटेरियल का भी फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गौरी किस छोटे से प्रांत का सुल्तान था। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं ऐसी किसी अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।